हाय फ्रेंड फ्रेंड, मेरे पास रेडमी 5A का मोबाइल आया हुआ है जो कि डेड कंडीशन में किसी रिटेलर ने काम भी किया हुआ है। बट मैंने इसके ऊपर जो चेक किया तो इसका जो फॉल्ट है वो EMMC प्रॉब्लम निकला। EMMC को मैंने निकाल लिया है, हालांकि रिवोल्व कर लिया हूँ, और अभी हम इसको चेक करेंगे AGG टैग बॉक्स में। तो मैंने चेक किया था वैसे, अभी आपको चेक करा दूँगा जो EMMC ख़राब था इसका। और मैंने न्यू EMMC भी लिया है यहाँ पे सैमसंग का, आप देख सकते हैं। तो पहले मैं इसका जो ओल्ड EMMC है वो आपको दिखा दूँगा कि क्या प्रॉब्लम था। तो फ्रेंड, मैंने JTAG बॉक्स में EMMC को फील कर दिया है। अभी JTAG प्लस का जो टूल है उसको ओपन किया हूँ, और अभी हम इसका जो चेक EMMC पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड, ये EMMC यही दिक्कत दिखा रहा है, चेक VCC और EMMC डेड। इसका जो VCC लाइन है वो डेड हो चुका है EMMC का, मतलब ये EMMC हमारा ख़राब हो चुका है। आप देख पा रहे हैं, मैंने वोल्टेज को भी चेंज करके चेक किया बट ये सेम एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा सैमसंग का EMMC लिया हूँ न्यू, उसको फील करूँगा और इसका EMMC चेंज करेंगे। आप बने रहिए वीडियो में, आगे देखते रहिए EMMC कैसे चेंज करते हैं हम। पहले हमारा इसका 16 GB का था, अभी हम इसको 32 GB अपग्रेड करेंगे। रेडमी Y2 का जो EMMC लिया हूँ मैं, इसका आप RPM भी देख सकते हैं, नोट क्लीन। तो इसका RPM भी क्लीन करेंगे, फॉर्मेट, पहले तो हम फॉर्मेट करेंगे EMMC को। फॉर्मेट करने के बाद AGG टैग क्लासिक टूल में चलेंगे और इसका RPM भी क्लीन करेंगे। फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है EMMC पे। तो इसका पहले मैं इसका जो EMMC का डंप है उसको रीड करूँगा, डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा। और ये देखिए, डेस्कटॉप पे ऑलरेडी सेव हैं, तो इसको मैं डिलीट करूँगा और फिर से सेव करूँगा। ये देखिए, डंप EMMC रीड कर लिया हूँ डेस्कटॉप पे। ये देखिए, कंप्लीट रीड, ठीक है। अब हम अपडेट EMMC चलेंगे और एडवांस मोड में क्लिक करेंगे, और जो नीचे फॉर्मवेयर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हम जो फाइल हमने रीड की है उसी फाइल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और जो कीप काउंटर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हमारा करेक्ट वही जो इसका CID नंबर आ जाए सेम, और उसके बाद कंफर्म कर देंगे। yes. तो ये RPM भी है, वो फर्मवेयर राइट होने से क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड, अभी हम AGG टैग प्लस में चलेंगे, चेक करेंगे, हमारा RPM भी क्लीन है। तो फ्रेंड, RPM भी क्लीन होने के बाद में ये देखिए, RPM भी क्लीन। इसके बाद में हमें जो करना है EXT CXT रिपेयर, आपके पास EXT CXT रिपेयर फाइल है तो वो डाल दीजिए, नहीं फिर ये Qualcomm 2 का जो ऑप्शन है
इसको हम लगा देंगे और ये XT60 रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद हम कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है, हमको MMC निकाल लेना है और मदरबोर्ड में MMC को लगाना है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट फील कर रहा हूँ ताकि MMC अच्छे से लग सके। मैंने अच्छे से बिठा लिया है, अभी हम इसके ऊपर हीट देके और बिठा देंगे। CPU को मैंने प्रोटेक्ट कर लिया है ताकि CPU पे हीट ना लगे। तो फ्रेंड MMC हमारा लग चुका है, अभी हम इसको निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिएगा जब तक बोर्ड ठंडा ना हो। बोर्ड को ठंडा करके उसके बाद ही फिक्स करना है। और मैंने यहाँ पे जो MI फ्लैश टूल है उसको ओपन किया, ENG फाइल को सेलेक्ट किया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसके बाद सीधा मोबाइल कनेक्ट और तो बोर्ड बना लेगा। और ये देखिए फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है, अभी हम इसका जो चेक करेंगे, हमारा जो MMC चेंज का जो काम है वो सक्सेस हुआ है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड MI का लोगो तो आ चुका है, अभी हम वेट करेंगे। तो फ्रेंड आप देख पा रहे हैं हमारा फ़ोन एकदम ऑन हो चुका है ENG फाइल से। इसका जो बैटरी है वो यूज है, इसी वजह से रिस्टार्ट हुआ है। अभी देखिए पूरा ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड इसका जो MMC चेंज किया हमने तो अब इसके अंदर सिक्योरिटी फाइल तो होगा नहीं। अभी आपको को दिखा देता हूँ, जो इसका IMEI नंबर है वो 0 था और इसका जो टबिंग पॉइंट है, डायग्नोस्टिक मोड ऑन कर लेंगे पोर्ट लगा के। ये देखिए डायग्नोस्टिक पोर्ट हमारे पास बना चुका है और इसका IMEI रिपेयर करेंगे। जो इसका ओरिजिनल IMEI नंबर है वही यहाँ पे डालें, अन्यथा दूसरा ना डालें। तो फ्रेंड मेरे पास ये कुछ टूल हैं और इन टूल की मदद से IMEI रिपेयर करेंगे। आपको मैं टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड मैंने यहाँ पे QCN फाइल है उसको सेलेक्ट किया और इसके अंदर जो हमारा ओरिजिनल IMEI है वो यहाँ पे डालेंगे। दोनों IMEI डालने के बाद इसको रिपीट दबाएंगे और जो हमारा जो नया QCN फाइल IMEI नंबर वाला जो सेव होगा उसको सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे हमारा IMEI जो QCN फाइल है वो हमें मिल चुका है। तो अभी हम जो ये QCN फाइल को बनाया है इस फाइल को मोबाइल के अंदर फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने QFIL टूल किया है ओपन और आप देख सकते हैं QCN फाइल में जाके और वही QCN फाइल को सेलेक्ट करेंगे जो हमने अभी सेव किया है और इसको राइट कर देंगे। QCN फाइल हमारा राइट हो चुका है, अभी हम चलते हैं इसका IMEI नंबर रिपेयर टूल पे, इसको ओपन करेंगे और जो हमने IMEI नंबर हमारा जो ओरिजिनल है वही दोनों IMEI नंबर डाल देंगे और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पास हो जाएगा। तो फ्रेंड इसके बाद में हम इसको मोबाइल को रीस्टार्ट करेंगे। अभी मैं रीस्टार्ट करके और फिर आपको चेक कराऊंगा।
हमने जो रिपेयर किया है वही आज मई इसमें है या नहीं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं कि हमारा आई एम आई नंबर रिपेयर हो चुका है। तो फ्रेंड अब जो है इसका जो ओरिजिनल जो इसका फाइल है ग्लोबल, उस फाइल को हम इसके अंदर राइट करेंगे ताकि कस्टमर यूज अच्छे से ले सके। ऐसे तो यूज हो नहीं पाएगा मोबाइल। तो अभी हम इसको कर लेंगे स्विच ऑफ और चलते हैं फ्लैश टूल पे, एम आई फ्लैश टूल पे, और जो इसका ग्लोबल फाइल है फर्मवेयर उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और अभी हम जो इसका क्वालकॉम का जो पोर्ट है उसको ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करके और यूएसबी लगा देंगे, हमारा क्वालकॉम पोर्ट बन जाएगा। और उसके बाद ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करके यूएसबी को लगा देंगे। तो फ्रेंड क्वालकॉम पोर्ट बन चुका है और अभी हमारा फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है। फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी हम इसको जो ऑन करके चेक करेंगे, तो फ्रेंड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए।
तो फ्रेंड मैंने आपको दोबारा चार्ज चेक करा दिया, आप ये हमारा हैंडसेट एक मौके है, इसका जो मेमोरी है वो भी पर्सनल कितना जी बी है, ये देखिए 25 GB, तो ये 32 GB का जो मेमोरी लगाया तभी रेडी। अभी ये एकदम रेडी है।